रमाने रही अस्ट्रॉन को ऑल मेंबर्स, मैं कमरन मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान एस्ट्रोगेशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट वीक यानी कि जो वीक गुजरा वो कैसा रहा, आने जो लास्ट फ्राइडे मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया और आने वाला जो कल मंडे है मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। सबसे पहले बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से कि अगर इस वीक में देखा जाए तो मंडे वाले दिन मार्केट ने 48 पॉइंट माइनस रही, इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन 316 पॉइंट का इजाफा हुआ जबकि वेनिसडे वाले दिन 169 पॉइंट का पॉजिटिव इजाफा हुआ। इसके बाद हमने देखा कि थर्सडे वाले दिन 102 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग, इसके अलावा जो फ्राइडे था उसमें भी 58 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग दिखी गई। देखा जाए तो इस वीक में मार्केट ने एक अच्छा हाई भी लिया और एक मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग का पूरा पूरा चांस दिया और इसके बाद मार्केट देखा जाए तो कोई थोड़े से पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव रही। इंडेक्स की जो ओपनिंग रही वो 45,654 की थी, इंडेक्स ने हाई लिया 46,314 का, इस इंडेक्स ने 45,529 का लो बनाया और जो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही वो 45,931 के करीब रही। देखा जाए तो 276 पॉइंट का इजाफा हुआ इस वीक के अंदर। अगर हम हाई लो से कंपेयर करें तो मार्केट में भी देखा जाए तो 450 पॉइंट के दरमियान मार्केट घूमती रही। इसके अलावा लास्ट वीक में अगर देखा जाए तो 1219 पॉइंट का इजाफा हुआ लास्ट वीक में और इस वीक में जो इजाफा हुआ 276 पॉइंट का इजाफा हुआ। इस वीक में हमने आपको एवरेज हमने आपको बताया था कि इंडेक्स की जो एवरेज इंडेक्स क्लोजिंग होगी वो 45,900 से ऊपर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा ही हुआ कि 45,931 के करीब क्लोजिंग हुई क्योंकि एवरेज इंडेक्स की जो क्लोजिंग बनती थी वो 45,931 के करीब बनती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी और कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया और मेंटेन किया। इसके अलावा पास्ट वीक में जो न्यूज़ रही वो ये रहा कि रेमिटेंस ने देखा जाए तो एक रिकॉर्ड हाई बनाया, रेमिटेंस रिकॉर्ड हाई बना। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट एंड आईपीपीस के जो है ना एग्रीमेंट साइन हुए, मास्टर एग्रीमेंट साइन हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे तो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्नोलॉजी में काफ़ी गुड न्यूज़ थी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के जो डेटा थे उनमें कार की जो सेल्स थी वो 13% जम कर गई। इसके अलावा पाकिस्तान बैंकिंग के हवाले से जो पाकिस्तान की बैंकिंग का जो आउटलुक है उसको स्टेबल एंड सॉलिड फंडिंग यानी कि बेहतर करार दिया मूडीज ने आउटलुक को जो है वो स्टेबल करार दिया पाकिस्तान बैंकिंग का। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल 52.58 रुपये से स्टार्ट हुआ और लो बना 51.50 का, 53.93 का हाई लगा और देखा जाए तो 52.36 रुपये का करीब क्लोज हुआ 22 पैसे प्रॉफिटिंग के साथ। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के लिहाज से बात करें तो इस हफ्ते केमिकल सेक्टर ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया जिसमें सितारा प्रोक्साइड में तीन रुपये का इजाफा हुआ, 28.38 रुपये के करीब क्लोज रहा। एनआरएसएल में अगर हम बात करें तो 3.14 रुपये का इजाफा हुआ, 12.73 रुपये के करीब क्लोज रहा। ईपीसीएल में 1.60 रुपये की प्रॉफिटिंग देखने में आई जबकि डोल में 1.14 रुपये की प्रॉफिटिंग रही। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में कौसम, कोयल इंडस्ट्री, एनसीएल, गैटम, सीटीएम और अदर टेक्सटाइल के आइटम्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताया कि टेक्सटाइल में हाई से पर प्रॉफिटिंग जरूर करें। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी में 5.66 रुपये का इजाफा हुआ और 23.60 रुपये के करीब हाई लगा। इसके अलावा बर्जर में 24.70 रुपये का इजाफा हुआ, 115.94 रुपये के करीब क्लोज हुआ। जेएससीएल में 1.19 रुपये का इजाफा हुआ, 29.50 के करीब क्लोज हुआ। 7.72 रुपये का इजाफा हुआ टीआरजी में और 96.51 रुपये के करीब क्लोज रहा। नेट सोल में देखा जाए तो 4.5 रुपये की कमी हुई, 4.97 रुपये की प्रॉफिटिंग देखने में आई। एमएनसीओ में 25 पैसे का इजाफा, जनरल डायर में 1.39 रुपये का इजाफा हुआ। एक्साइड और एटलस बैटरी में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखने में आई। स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर में आईएसएल में स्लाइटली प्रॉफिटिंग थी 32 पैसे की जबकि मुगल में 1.21 रुपये का इजाफा, अमरेली स्टील में 55 पैसे का इजाफा और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में 30.69 रुपये का इजाफा हुआ। अमरेली स्टील में 59 पैसे का इजाफा हुआ और 23.67 रुपये के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी जैसे कि हाईली ओवरबोर्ड था इसे प्रॉफिटिंग नजर आई, 370 रुपये के करीब क्लोज हुआ 34.36 रुपये माइनस के साथ। जबकि ATRL में 3.56 रुपये का इजाफा हुआ, 182.95 रुपये के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा।
पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइकों में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी गई। सीमेंट में अगर अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में HBL में देखा जाए तो 4.84 पैसे की प्रॉफिटिंग, जबकि HBL में 1.38 रुपये का पॉजिटिव इजाफा हुआ। MCB और मिजान बैंक में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी गई। पावर सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव था, जिसमें आपको और कैपको स्लाइटली बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। कैपको में 3.94 रुपये का इजाफा हुआ। अगर हम ऑयल स्टॉक्स की बात करें तो ऑयल स्टॉक्स में भी देखा जाए तो स्लाइटली प्रॉफिटिंग थी, जबकि ऑटो सेक्टर्स में भी देखा जाए तो लास्ट वीक में प्रॉफिटिंग थी और इस हफ्ते भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग रही। एक टाइम में हाई भी लिया ऑटो सेक्टर ने, लेकिन प्रॉफिटिंग के साथ थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ। सीमेंट सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में चिराट और लक्की थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, जबकि डीजी खान और मेपल्ली में स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखने में आई। अब हम बात करेंगे फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। फ्राइडे की मार्केट का जैसे कि व्यू था कि मार्केट की जो क्लोजिंग होगी 45,900 से ऊपर होगी, क्योंकि एवरेज इंडेक्स ये है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि क्लोजिंग 45,931 से करीब हुई, और देखा जाए तो इंडेक्स ने 45,900 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया था, मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करेगी और प्रॉफिट टेकिंग आपने हाई साइड पे करनी है, क्योंकि मार्केट हाई साइड की तरफ है और मार्केट एक रेंज देखा जाए तो इस हफ्ते में बॉटम से बढ़ चुकी है और मार्केट की क्लोजिंग ये एक्सपेक्टेड है। ऐसा ही हुआ कि इंडेक्स आगाज पॉजिटिव हुआ, हमने देखा 46,177 तक मार्केट हाई साइड की तरफ गई, फिर मार्केट ने लो बनाया 45,875 का, मार्केट बाउंस बैक हुई और 45,931 के करीब देखा जाए तो 58 पॉइंट स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुई। वॉल्यूम्स भी बेहतर थे। पीपीलीपी डेटा की अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ये सेलिंग साइड पर थे, जबकि इनके अगेंस्ट बाइंग पर जो थे फॉरेनर्स, इंडिविजुअल और बैंक बाइंग साइड पर थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्राइडे देखा जाए तो एक तरह से थोड़ा सा मिक्स व्यू था और मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज हुई। इसके अलावा स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि थर्सडे वाले दिन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। टेक्सटाइल सेक्टर, हमने आपको बताया था कि टेक्सटाइल जो रैली है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन हाई साइड से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ऐसा ही हुआ कि जो फ्राइडे वाले दिन जो टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स थे हाई साइड की तरफ गए, जिसमें गैटम, कौसम, कोयल, ये हाई साइड निशात यूनियन ये ऊपर गए और फिर ऊपर से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर हम बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट में 5.73 रुपये का इजाफा हुआ, 115.94 रुपये करीब क्लोज रहा। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी हाई साइड से, जबकि फार्मास्यूटिकल आपका जो है एक्यूमुलेशन साइड पे रहा। इसके अलावा रिफाइनरी आपका जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा मिक्स व्यू रहा, जिसमें ATR थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता रहा, जबकि नेशनल रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा स्टील सेक्टर्स में भी स्लाइटली पॉजिटिव था और थोड़ा हाई साइड की तरफ परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑयल स्टॉक्स में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग थी, जबकि पावर सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ, जिसमें कैपको और हमको थोड़े बेहतर क्लोज हुए। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में इस हफ्ते भी इस फ्राइडे वाले दिन भी कंटिन्यू प्रॉफिटिंग थी, थोड़ा सा हाई का मौका मिला लेकिन प्रॉफिटिंग के साथ थोड़ा क्लोज हुआ। इसके अलावा TRG में बेहतरीन इजाफा हुआ, 7.72 रुपये का 96.51 रुपये करीब क्लोज रहा, जबकि नेटसोल में 4.97 रुपये की प्रॉफिटिंग दिखी, 182.06 रुपये करीब क्लोज हुआ, क्योंकि देखा जाए तो इसने अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था 187 का वो ब्रेक नहीं किया, जो कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर और फूड सेक्टर्स में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग नजर आई। FNEL ने ऊपर का कैप लिया 1.64 रुपये के पास और 23.60 रुपये करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा छोटे आइटम्स देखा जाए तो बेहतर परफॉर्म करते रहे, जिसमें पावर सीमेंट, DCL और अदर छोटे आइटम्स थोड़े बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट को अगर जायजा लें तो डाउ जोन्स में 177 पॉइंट प्रॉफिटिंग के साथ 30,866 के करीब क्लोज हुआ, जबकि नेस्डेक में 114 पॉइंट की प्रॉफिटिंग नजर आई। S&P 27 पॉइंट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज हुआ। निकी में 179 प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहा। शिंघाई की बात करें तो 1 पॉइंट का इजाफा हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 549 पॉइंट प्रॉफिटिंग के साथ 49,034 के करीब क्लोज हुआ। और देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट में और एशियन मार्केट में फ्राइडे वाले दिन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 5383 का हाई बना, 5183 का लो बना और 5236 के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन $1.44 की प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो जैसे कि मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी और इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो 45,931 के करीब इंडेक्स की क्लोजिंग है।
देखा जाए तो इंडेक्स ने क्लोजिंग तो बेहतर है, बट इंडेक्स का अगर हम देखें हाई से फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 46,200 का। अगर ये 46,200 और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,500, थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,800 का है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,600 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,300 है और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,000 है। अगर हम इंडेक्स को देखें मंथ के एतबार से, तो मंथ के एतबार से इंडेक्स ने 43,893 का लो बनाया है और 46,314 का हाई बनाया है इंडेक्स का। इंडेक्स की अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज इंडेक्स की बात करें तो 45,103 यानी कि इंडेक्स का एवरेज बनता है। और अगर उस एतबार से देखा जाए तो इंडेक्स आपका 45,900 के करीब हाई साइड पर ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस मंथ में देखा जाए ऑलमोस्ट 17 दिन यानी कि हाफ मंथ गुजर चुका है और हाफ मंथ बाकी है। इस एतबार से देखें तो इंडेक्स आपका स्लाइटली ओवरबोट है। इंडेक्स में ये है कि शॉर्ट करेक्शन, शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगर इंडेक्स 46,000 के लेवल को ब्रेक करता है और 46,200 को सस्टेन करता है तो देन मार्केट आपकी वंस अगेन हाई साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अदरवाइज शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकता है। और वैसे भी हमने आपको काफी बार बताया भी है कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। प्रॉफिट टेकिंग करने से ये फायदा होता है कि डिप पर आपको वही स्टॉक्स डिप पर मिल जाते हैं। इंडेक्स में शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। अगर 45,800 का 850 800 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट 45,600 से लेके 300 तक मूव कर सकती है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें। और इंडेक्स अगर आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है 46,200 के लेवल को सस्टेन करता है देन न्यू तेजी यहाँ से न्यू तेजी बनेगी। अदरवाइज लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट का टोटल व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में किसी किस्म का पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि 500 या 600 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है और करेक्शन आने के बाद मार्केट आपका लॉन्ग व्यू की तरफ जा सकता है। तो लॉन्ग व्यू के हिसाब से तेजी है, शॉर्ट व्यू के हिसाब से स्लाइटली ओवरबोट है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक्स के हवाले से तो स्टॉक्स में टेक्सटाइल सेक्टर लास्ट वीक में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया, थोड़ा सा ओवरबोट है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद फिर सेट हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और वेट करें थोड़ी सी करेक्शन का। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स आपका एक्यूमुलेशन साइड पर है और लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर आपका बेहतर है जिसमें FFBL और FFC बेहतर है, एग्रो में थोड़ी सी प्रॉफिटिंग आ सकती है। स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में INIL स्लाइटली ओवरबोट है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए हाई साइड पे। बाकी अदर अगर स्टील की बात करें तो बेहतर है और हाई साइड की तरफ जा सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर आपका जो है डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा ऑटो सेक्टर देखा जाए तो कंटिन्यूस लास्ट 2 वीक से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इसके अंदर, लेकिन ये कि ऑटो सेक्टर आपका जो एक्यूमुलेशन फेज में है और इंशाल्लाह एक अच्छी रैली की तरफ मूव कर सकता है। फूड सेक्टर आपका बेहतर है, एक्यूमुलेशन और डिप करनी चाहिए। इसके अलावा रिफाइनरी में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। नेशनल रिफाइनरी आपका स्लाइटली ओवरबोर्ड है जबकि अदर जो रिफाइनरीज हैं वो बेहतर है। इसके अलावा ऑयल स्टॉक्स में देखा जाए तो इस हफ्ते पेट्रोलियम जो जो पेट्रोलियम मसनूआत है पेट्रोल के प्राइस अप हुए हैं जिसकी वजह से PSO, शेल, हैस्कॉल थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अदर स्टॉक्स की बात करें तो ऑयल स्टॉक्स बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है रखनी चाहिए। इसके अलावा पावर सेक्टर्स में देखा जाए तो स्लाइटली ओवरबोट है, थोड़ा सा हाई साइड पर प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। अदर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो अदर स्टॉक्स में आपके जनरल टायर, पार्क इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी करेक्शन अगर लेते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। छोटे आइटम्स में BGL, सितारा प्रोक्साइड, STPL, ट्राइस्टार पॉलिस्टर, इसके अलावा STPL और बेहतर है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स स्लाइटली ओवरबोट है और इंडेक्स का जो एक रेजिस्टेंट एरिया रख चुका है इस वीक की अगर क्लोजिंग देखें तो इंडेक्स ने थोड़ा सा स्लाइटली यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन इंडेक्स का जो लेवल है वो 46,200 करके अगर वो ब्रेक होता है और सस्टेन होता है देन न्यू तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉफिटिंग आती रहेगी। और प्रॉफिटिंग शॉर्ट प्रॉफिटिंग होगी, लॉन्ग प्रॉफिटिंग नहीं होगी, लेकिन ये शॉर्ट प्रॉफिटिंग एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि आप अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं और जो दोबारा से आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट आपकी पॉजिटिव है, स्टॉक्स भी पॉजिटिव है और
आपके जो इंडेक्स भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बायो डिप की स्ट्रैटेजी रखें और शॉर्ट करेक्शन आ सकती है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में बेहतरीन सर्विस दी जा रही है। इसके इंडेक्स की एक एक मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। जब फ्राइडे वाले दिन भी हमने पूरी कोशिश की, इंडेक्स की एक पूरी मूवमेंट हमने बताई थी, जहां से मार्केट बाउंस बैक होने वाली थी हमने वहां पे भी कॉल दी और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। इसके अलावा काफी स्टॉक्स भी हमने शेयर किए जो बेहतर रहे और हाई साइड की तरफ गए। इसके अलावा अगर आप भी चाहें तो हमारे इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो गए, अब आपको बायोमेट्रिक करने के लिए किसी और शहर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस शहर में भी आप हो, जिस कंट्री में भी आप हो, आपकी बायोमेट्रिक आसानी से हो जाएगी। बायोमेट्रिक के लिए जो है, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इजीली ओपन हो रहे हैं, इसकी अगर आप तफसीलात जानना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, इसकी बाकायदा आपको डिटेल शेयर की जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ यूट्यूब पे जो अपने व्यूज शेयर करते हैं आपको, इसके अलावा ऑडियो कॉल्स के थ्रू जो हम ग्रुप्स में आपको बताते हैं मार्केट की मूवमेंट के बारे में, सेक्टर के बारे में, आपको हमारे व्यूज कैसे लग रहे हैं आप अपनी राय जरूर दें हमें, और एक छोटी सी वीडियो बना के अपनी राय दें, यानी छोटी सी वीडियो 1 मिनट की हो, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में आप हमें अपनी राय से आगाह करें कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको। जो इंडेक्स की हमने आपको तेजी करवाई 27,000 से नॉन स्टॉप 46,000 तक, आपको किस तरह का आपको शेयर मतलब आपको किस तरह का व्यू आपका बना, आपको कैसा लगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स के बारे में हमने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 300% 400% अप हो गए। जैसे कि जी चेन्नई 90 रुपये में था तो सबसे पहले कॉल देने वाले हम थे। इसी तरीके से जनरल टाइप जब 30 और 40 रुपये के करीब था, सबसे पहले तेजी करवाने वाले हम थे। इसी तरीके से हमने काफ़ी आपको जो है तेजी के व्यू दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रही, इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जाती रही। इकोनॉमी की भी जो डायरेक्शन थी हमने आपको इससे आगाह किया कि इकोनॉमी आपकी बेहतर होने वाली है। जब हर तरफ मायूसी और गम के बादल छाए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो निगाह थी वो मायूसी और गम को ना देखते हुए पाकिस्तान की तरक्की और इसकी रफ्तार को देखते हुए हमने आपको बताया कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान के कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ होगा, गवर्नमेंट बेहतर इकदाम करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सबूत ये थे कि गवर्नमेंट ने बेहतर डिसीजन लिए, इंटरेस्ट रेट कम किया, मूडीज तारीफ कर रहा है, मूडीज जो है वो रेटिंग बेहतर स्टेबल करार दे रहा है बैंकिंग की। इसके अलावा आगे भी देखेंगे कि बहुत सी रेटिंग एजेंसियां आएंगी जिसमें हमारी इकोनॉमी की तारीफ होगी। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केट वर्ल्ड बैंक भी और दूसरे भी फॉरेंस में भी हमारी इकोनॉमी की तारीफ होंगी, और ये हम आपको आज पहले से बताते हैं क्योंकि लोग जो मानने जो नहीं मानते वो नहीं मानते, और जो समझते इन चीज़ों को वो समझते इन चीज़ों को। तो आप अपनी वीडियो एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाएं और मुझे सेंड करें मेरे व्हाट्सएप पर कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है और जो किस तरह का जो आपने इस वीडियो से कितना फायदा उठाया, आपके फायदे के लिए है ही नहीं है, तो आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।